हरियाणा से, हरियाणा का कहाँ से, हिसार जिले से, हिसार जिला से ये तीन भाई जो आपने दिख रहे हैं इस बाबा धाम में है जो पधार रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। इस बीच है जो डीजे का ना, जो एक चलन है डीजे का हमारी तरफ और आपके तरफ में, देखो यहाँ लेकिन वहाँ तो अलग अलग तरह के कावड़, सैकड़ों सैकड़ों डिजाइन जो कावड़ आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जब आप देखते हैं तो कैसा लगता है कि वहाँ के अंतर में और यहाँ के अंतर में क्या फर्क लग रहा है आपको? वहाँ देखो हरियाणा में तो भाई हरिद्वार, हरिद्वार जाते हैं यूपी में, हरिद्वार और ऋषिकेश का नज़ारा ही कुछ अलग है। तो यहाँ तो आपने जो रास्ते में तो नॉर्मल सा माहौल लग रहा होगा देखने में तो, पर जो भी जुगर बिहार से या अलग अलग राज्य से जो आ रहे हैं यात्रा करेंगे सुल्तानगंज से, तो उन्हें जो सुइया पहाड़ का दर्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि रास्ते में ही पता लगता है कि भाई आगे पहाड़ कूड़ तो, लेकिन पहाड़ जैसा तो कुछ लगा, पहाड़ का जैसा कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, नॉर्मल चले जा रहे हैं, है ना। मगर सारे भैया ने देसी पत्रकार राकेश कुशवाहा राम राम भाई, देसी देख बिना ब्रेक एक बल्ला शेर पे उठा देख दो भाई। सारे भाई सुल्तानगंज से देवघर का ये मुख्य मार्ग है और इसमें मैं थरते भाई अपने कई राज्यों का है, जैसे कि मैं जगह जगह पर है जो कांवड़ियों से है जो जो भी बोले आ रहे थे उनसे है जो बात करके ये जानने का प्रयास कर रहा था भाई कि कहाँ कहाँ से लोग हैं जो इस बाबा धाम में है जो पधार रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। इस बीच है जो हमने अब तक तो है जो हरियाणा से कोई कोई भी बोले हैं जो हमने नहीं मिले थे, लेकिन इस बार है जो आखिरकार है जो सफ़र थोड़ा रह गया था, थोड़ा ही रह गया था, 17-18 किलोमीटर तक का सफ़र रह गया था। इसी बीच है जो हमने हरियाणा से, हरियाणा का कहाँ से, हिसार जिले से, हिसार जिला से ये तीन भाई जो आपने दिख रहे हैं ये आए हैं हरियाणा से। तो बात करते हैं कि कैसे ये जर्नी रहा आखिर, कैसे है जो हरियाणा में तो भाई हरिद्वार, हरिद्वार जाते हैं यूपी में, हरिद्वार और ऋषिकेश का नज़ारा ही कुछ अलग है। तो यहाँ तो आपने जो रास्ते में तो नॉर्मल सा माहौल लग रहा होगा देखने में तो, सबका सिमिलर एक जैसा है, एक जैसा ही कावड़ है, आपने भी एक जैसा कावड़ ढाया, लेकिन वहाँ तो अलग अलग तरह के कावड़, सैकड़ों सैकड़ों डिजाइन जो कावड़ आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जब आप देखते हैं तो कैसा लगता है कि वहाँ के अंतर में और यहाँ के अंतर में क्या फ़र्क लग रहा है आपको? वहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे सादगी है, सिंपल है, मतलब सब शांति से चलते हैं, शांति से, डीजे डाजे का कोई नहीं, डीजे नहीं है यहाँ पर, है ना, और शांति से चल रहे हैं। वहाँ पे डीजे है, क्या लगता है आपको डीजे यहाँ भी होना चाहिए था या फिर ना? ये शांति से चल रही है कावड़, तो शांति से ही चलनी चाहिए ये, मतलब कि यहाँ कर जो कर बिहार का ये अगर जो परंपरा चल रहा है कि आप अगर जो वहाँ तो चप्पल पहन के भी जाते हैं, जूते भी पहन के जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने कोई सा डाक बम है जो ऐसा डाक कावड़ है जो जो भी दी हुई है एक तरह से, यहाँ पे चप्पल की जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है चप्पल जूते की। तो जैसे कि बता रहा था कि वहाँ तो सड़क होता है, सड़क में थोड़ा सा कंकड़ पत्थर भी आपने मिलते हैं जिसकी वजह से कांवड़िए जो चप्पलों का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो है जो रेता बिछाया गया गंगा जी का, ये रेता आपने दिख रहा होगा जिसके वजह से सुइया पहाड़, जिससे लोग हैं जो डरते थे कि कहीं ना कहीं जब वहाँ पहुँचेंगे तो भाई हमने जो पैर में है जो कहीं ना कहीं जो चोट चाट लगना, किसी को कोई है जो कंकड़ पत्थर कंकड़ पत्थर चुभेगा, लेकिन अब है जो कहीं ना कहीं अब ऐसा कुछ नहीं है, पता ही नहीं लगा, हमने भी नहीं पता लगा कि पिछली बार जब हम आए थे पिछले साल तब दूसरे महीने में आए थे, तब अच्छा। तक बारिश की वजह से सारा बालू बह गया था, अच्छा, लेकिन अब की बार बालू ऐसे कैसे है, ऐसे बस कैसे होना चाहिए, अगर बालू खत्म हो जाता है मतलब तो इस साल जो भी रिफिल होना चाहिए। इस बार जो भी जुगर बिहार से या अलग अलग राज्य से जो आ रहे हैं यात्रा करेंगे सुल्तानगंज से, तो उन्हें जो सुइया पहाड़ का दर्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि रास्ते में ही पता लगता है कि भाई आगे पहाड़ कूड़ तो, लेकिन पहाड़ जैसा तो कुछ लगा, पहाड़ का जैसा कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, नॉर्मल चले जा रहे हैं, है ना। तो और कोई क्या कुछ लगता है जैसे कि आप वहाँ हरिद्वार की चंडी देवी मनसा देवी और अनेकों है जो आपने यात्राएं की होंगी, है ना, तो यहाँ थोड़ा सा क्या कुछ और? बस यही है कि यहाँ पर शांति से चलने वाली आप यात्रा आए, है। पहली बार आप आए कब थे यहाँ? पिछले साल, पिछले साल आए थे, और उससे जो आप आए तो आपको भी कोई लाया होगा? हाँ, वो लोग जो जिनके साथ में आया था वो लगभग 10 साल से आ रहे हैं, वो 10 साल से आ रहे हैं, और सारे हरियाणा के थे? सब हरियाणा से। अच्छा, तो कैसे आपका कैसे जो उन्होंने बताया या फिर आपका ही मन बढ़ गया? हर साल बोलते थे चलने के लिए, तो पिछली बार हमारा बन गया प्रोग्राम की भाई चलते हैं हम भी। तो जब वो कहते होंगे तो पूछते भी होंगे नुका भाई वहाँ यहाँ का व्यवस्था ऐसा है, वहाँ का व्यवस्था मेरा नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ का माहौल वहाँ के हिसाब से, वहाँ पे चलते ही डीजे के साथ में, यहाँ पे जब सब शांति से चल रहे हैं तो सब फिर नुका यार सबका डीजे का आदत पड़ रहा है, हम भी कई बार गए होंगे तो डीजे डाजे लेके गए होंगे आप भी, है ना, लेकिन जब यहाँ सफर कर रहे हैं ना, यहाँ जब आप सब सफर कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं जो वहाँ तो आप जब भी कंटिन्यू अगर जो आप यात्रा करते होंगे, यात्रा आप करते होंगे तो डीजे के साथ में जाना गाना बजाना 15-20-25-30 बंदे के साथ में जाना आना होता है वहाँ पे, है ना, लेकिन यहाँ जो आप तीन जने हैं जो चल रहे हो, एक बार तीनों को दिखाइएगा भैया, है ना,
तीन जने हैं जो आप चल रहे हो, है ना, कहीं है जो 15-20 लोगों का जत्था नहीं है, ना डीजे है ना, तो फिर कैसे ऐसा जी कैसे संभव हो रहा है यात्रा? ये संभव तो देखो हम कह देंगे हम कर रहे हैं, हम नहीं है कोई करने वाला। अच्छा। ये एक तीनों लोगों का नाथ बैठा है जो इनकी सबके ऊपर निगाह है, कोई अपनी मर्जी से नहीं आता, जब तक इसकी मर्जी नहीं होगी कोई नहीं आएगा। अच्छा। कोई एक तिनका भी इसके बिना नहीं हिलेगा, ये कह रहा हूँ मैं मेरी मर्जी से आ रहा हूँ बोले को जल चढ़ाने, नहीं कोई पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता जब तक इसकी इच्छा नहीं होगी। तो क्या लगता है डीजे डाजे जो करे बजाया जाए? महत्व ये है जी, जैसे एक डीजे का है ना, जो एक चलन है डीजे का हमारी तरफ और आपके तरफ में, देखो यहाँ लोगों को ये दुकानें लगी हुई हैं, थोड़ी सी शांति है हमारे। अब एक यूपी में एक हरियाणा के अंदर यूपी सरकार ने एक कोड भी अलाउड किया है, भई आपको नेम प्लेट लगानी पड़ेगी, प्लेट लगाने पड़ेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कुछ हद तक गवर्नमेंट ने सही भी किया है, कुछ हद तक गवर्नमेंट ने सही भी किया है वहाँ। हाँ, कुछ गलत देखा, कुछ गलत भी है, कुछ सही भी है, कुछ हद तक सही है वहाँ। अच्छा, नंबर दो बात रही डीजे की, डीजे का महत्व क्या है जी? डीजे का मैं महत्व इतना ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि जो शांति प्रिय है से चीज़ बाबा को देखो दरबार में चढ़ानी है, डीजे तो आप फिर भी बजा सकते हैं, शादी में भी बजता है, कोई अपने उत्सव होता है उसमें ही बजता है। देखो एक हमारे जत्था चलता है डीजे से, हम भी मैं भी नीलकंठ गया हूँ जल चढ़ाने, हम भी डीजे लेके गए हैं, पर जो आनंद यहाँ पे पैदल चलने में हम, अच्छा एक क्या शुद्धता, शुद्धता बिल्कुल, बाबा के दरबार में कावड़ चढ़ाई हुई या शुद्धता, सबसे मेन रीज़न प्लस पॉइंट ये आएगा शुद्धता के लिए, ठीक है। हमारे अब आप लगाओ, आप अभी लास्ट अभी एक महीने पहले ही जल चढ़े हैं जी, 250 लीटर का जल उठाया है, किसी ने 200 लीटर का जल उठाया है, किसी ने 350, अब एक लास्ट अभी सुनने में है, मैं यूट्यूब पे कल देख रहा था, एक शिव भोले का भगत है, उसने 500 लीटर जल उठा के हरिद्वार से, लेकिन यहाँ तो आपने मुजफ्फरनगर यूपी के लिए चला है वो। अच्छा। मैं कह रहा हूँ देखो भोले की कृपा है, भोले का आज बारिश हुई है, मैं कह रहा हूँ भोले का आनंद आ गया, गर्मी भी थी सुबह रास्ते में, पीछे थे हम कहाँ थे पीछे पीछे थे हम वहाँ, गर्मी भी थी कल भी, गर्मी थी बारिश हुई, आना है भोले की वर्षा है, आनंद है। जब सूर्य भगवान का कहने घर होता है तो भोले बाबा का है जो आशीर्वाद, देखो देखो, 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 लगे, 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 हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो नहीं होना चाहिए श्रद्धा, जो श्रद्धा है ना बस जिसके मन में उसको कष्ट, देखो भोले बाबा देख रहे हैं उसको कष्ट नहीं आने देंगे, अपनी छत्र छाया में है, इसके बिना कुछ संभव नहीं है। मैं तो आपसे अच्छा मेरी आपके चैनल के माध्यम से एक मैं रिक्वेस्ट लगा लो या एक अपील लगा लो, मैं या गवर्नमेंट से लगा लो या कैसे जो संस्थाएं हैं ये जो भी हैं यहाँ, मैं ये कहना चाहूँगा हम जब भी रास्ते में आ रहे हैं, कोई तो कह रहा है जैसे मैंने पूछ लिया भाई गोदावरी नदी है कितनी दूर पड़ेगी, कोई 5 किलोमीटर कह रहा है, कोई 4 किलोमीटर कह रहा है, यहाँ साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं बराबरों में पत्थर पर, उस पर लिखा भी हुआ है, इसके अंदर कोई एक्चुअल नहीं लिखा हुआ कहीं भी, एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल नहीं है कहीं भी, जहाँ जो सामने आया हमने देखा 55 किलोमीटर, थोड़ी देर पे आगे चले तो वहाँ 61 किलोमीटर, इतने हाथों में इतना बता रहा था, इतना बता, यात्रियों का मनोबल टूटता है, कंफ्यूज होते हैं, एक गवर्नमेंट से अपील है इनको साइन बोर्ड को सही किया जाए, सही किया जाए, जितना जहाँ जितना किलोमीटर पड़ रहा है उतना ही लिखा जाए, इससे भक्तों का मन नहीं भटकता, मन नहीं भटकेगा तो भक्त चलेंगे, जो यात्रा पे आए हैं वो यात्रा कर रहे हैं सर्दी सरदा से। एक मेरे को सबसे प्लस पॉइंट यहाँ की जो भक्तों की शिव भक्तों की जो कृपा है भोले बाबा पे, कि जो ये पैदल चल रहे हैं नंगे पैर, नंगे पैर, मैं 5-6 शिवलिंग ज्योतिर्लिंग कराया, मेरे को मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मेरे को लाने वाले फिर वही बात आ गई, अब मैं कहूँगा बीच का माध्यम ये है, बीच का माध्यम ये है, बीच का माध्यम ये है जो मेरे को लेके आए हैं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, कहने भोले का बुलावा था, भोले का बुलावा था, और बीच का माध्यम ये है, ये बोले भी चलना है, मैं चलेंगे चलेंगे हैं, रिश्तेदारी है हमारी, फिर भी लगा लो मैं इनकी टिकटें पहले बन चुकी थी, मेरी तो फिर लास्ट में बनी, क्यों काम का थोड़ा शेड्यूल बिजी था, काम को फिर बस भोले की कृपा हुई अब चल पड़े। अच्छा, तो वहाँ जो 250 जल तो अपनी अपनी श्रद्धा है जो है ना, तो यहाँ आपसे मतलब देख रहे हैं थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, नहीं अजीब तो स्टार्टिंग में आएंगे तो वहाँ तो बम बोले, जिसने भी कहना है नुका बोले, अरे यहाँ तो बोल बम या तो बम है ना, तो मैं ये कई बार कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि आदत तो पड़ रहा था बोले बोले साइड जो बोले, लेकिन यहाँ तो बोले की रेल चलेगी, डग 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 रेल चलेगी, एक आधा नारा जुगर हरियाणा में जुगर आप चलते होंगे जत्थे के साथ, तो एक आधा नारा नारे का तो बस हमारे मेन तो बम 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 लहरी बोल बम तो मैंने देखो शब्द है यहाँ कह रहे हैं भाई बोल बम, मैंने पीछे पूछा था बोल बम का क्या महत्व है, बोले यहाँ पे जो यहाँ के बिहारी लोग थे
उन्होंने ये निकाला बोल नाम दिया बोल एल्बम, बम का नाम लो बोल बम। दूरी कम दूरी कम, मैंने जो भगत यात्रा ये पैदल यात्रा कर रहे हैं एक दो से मुंह से भी सुना है मैंने भाई दूरी कम दूरी कम आ गए हम भाई, तो यहाँ अच्छा लगा थोड़ा सा दूरी कम बम बोले है ना। हाँ वो देखो बोले का संदेश है, बोले की कृपा है, मैं तो एक ही कहूँगा सभी आए मिलजुल कर आराम से, कोई शरारती तत्व है कई बार कोई नशा युक्त करके कावड़ को उठाएं, श्रद्धा से उठाएं, जो श्रद्धा से उठाता है उसकी मनोकामना के हिसाब से उठाएं, यात्रा करें, सनातन संस्कृति ही आपको आगे ले जाएगी, ये कभी पीछे नहीं हटेगी ना कभी इसको गिराया भी, अपने आप उठेगी और उठाएगी भी अपने सनातन संस्कृति कहने गए हैं जो हाँ, आपकी सनातन संस्कृति हिसाब से करें तो समझ सकते हैं कि ये थे भाई साहब। तो आपको लाने वाले माध्यम है जो ये भाई साहब थे, तो आपका क्या नाम था? मेरा नाम अंकुर गर्ग है, मैं हरियाणा का हरियाणा डिस्ट्रिक्ट हिसार उकलाना मंडी। अच्छा आपका बोले ओम नमः शिवाय, मेरा नाम अंकित है और मैं बरवाड़ा से हूँ, उनके ये मेरे माध्यम है, बीच में हर भोले बाबा की कृपा है जो उन्होंने अपने चरणों में बुलाने का एक मौका दिया और आगे भी ऐसे देते रहेंगे। तो अच्छा लग रहा है आजुकर सफर कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा है आजुकर। तो समझ सकते हैं कि ये दो भाई साहब हरियाणा से आ रहे थे और जो उनका कहना भी यही था कि ये जो हमारा जो बिहार में हमने ये जो देखा कि भाई सारे भाई हैं जितने भी भोले हैं कांवड़ उठा रहे हों गंगा जल ले रहे हों सबका है जो सेम एक जैसा है जो कांवड़ है ना, और सारे शांतिपूर्वक कोई डीजे नहीं कोई कुछ नहीं शांतिपूर्वक है जो अपना सफ़र कर रहे हैं भोले के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया हमने लगा। तो भाई बाकी मेरा भी इच्छा था मगर भाई एक आधा हरियाणा का बोला हमने मिल जो और उसका उस भाई से भी एक बार बात कर लूँ, तो भाई एक मिल गया हमने।